विकासनगर तहसील अंतर्गत बाड़वाला के राजवाला में बड़े पैमाने पर हुए साल के अवैध कटान मामले में आखिरकार संबंधित विभागीय कर्मियों पर गाज गिरनी शुरू हो चुकी है, जिसके चलते हाईकोर्ट के आदेश पर पीसीसीएफ द्वारा जांच कर पेश की गई रिपोर्ट के बाद कालसी वन प्रभाग के चौहड़पुर रेंज के रेंजर एडी सिद्दकी, वन दरोगा महावीर चौहान और वन आरक्षी रीता रावत को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं लंबे समय बाद हुई वन कर्मियों पर कार्रवाई के बाद तहसील कर्मियों पर भी गाज गिरना तय है, जिससे तहसील प्रशासन में कंप का माहौल है। दरअसल आपको बता दें कि बाड़वाला के राजवाल गांव में जंगल से लगते प्राइवेट भूमि से पिछले लंबे समय से प्रतिबंधित प्रजाति के साल के पेड़ों का अवैध कटान जारी था, जिसका खुलासा सन 2020 में नव क्रांति मोर्चे द्वारा शिकायत से सामने आया है। लेकिन लकड़ी माफियाओं और भूमाफियाओं का आतंक नहीं रुका, जिसके चलते सन 2021 में सामाजिक कार्यकर्ता राकेश तोमर उत्तराखंडी द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। कुछ भूमाफियाओं द्वारा आरियां चला दी गई थी, जिसके बाद कई क्षेत्रीय अधिकारियों को वनाधिकारियों को बोला गया, लेकिन उनके कानों में जू नहीं रहेंगी, जिस कारण हमें माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। माननीय उच्च न्यायालय में हम लोगों ने जनहित याचिका दायर की थी तथा जनहित याचिका एक्सेप्ट हुई। नतीजा ये रहा कि करीब 1.5 वर्षों के बाद नतीजा रहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड चीफ कंजर्वेटर हॉप को आदेश दिया कि आप अपने आप मौके पर जाकर इसकी कार्रवाई करें और देखें कि कितना पेड़।